मराठी फैंस क्रिएटिविटी क्लब झांसी के लक्ष्मीबाई पार्क में वीरता की पराकाष्ठा और आजादी का शंखनाद करने वाली वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव पर हमारे ग्रुप की सभी सखियां उन्हें दीपदान करने के लिए, उन्हें अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर आई हुई। सखियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जो जीवन था बेहद चुनौतीपूर्ण, बेहद कष्टदायी था और शायद इसीलिए वो हम सभी को ये प्रेरणा देता है, ये शिक्षा देता है कि जीवन में यदि आज कभी अपने स्वाभिमान पर आए या कभी कोई आज़ादी में हमारी खलल डालता दिखाई दे तो उन गंभीर परिस्थितियों में हमें अपना बिना सोचे बिना समझे सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए, क्योंकि सखियों बिना आत्मसम्मान और बिना स्वाभिमान के हमारा मानव जीवन जो है वो जानवर तुल्य है। इसलिए किसी भी कीमत पर हमें अन्याय के खिलाफ घुटने नहीं टेकने हैं। बात अपने आत्मसम्मान की हो तो हर स्थिति में उसका उनका डटके सामना करें। आज अति सत्य है कि आज हम सब इस वीर बेटी की वीर जीवन यात्रा को कहीं ना कहीं इतिहास के पत्रों में भी समेट चुके हैं। आज यदि हम बात करें तो हाँ, बेशक हम उसके जन्मोत्सव पर, उसके बलिदान दिवस पर उसकी नाम की रैलियाँ निकालते हैं, उसकी एकता के चर्चे करते हैं, नारे लगाते हैं, गीत प्रस्तुत करते हैं, परंतु आज हम सब अपने दिल पर हाथ रख के पूछे स्वयं से कि क्या हमारे लिए इतना पर्याप्त है? सिर्फ इतना ही पर्याप्त है? नहीं सकती। महत्व ये रखता है कि हम राज्य के जीवन आदर्शों को, उसके सिद्धांतों को, यानी कि देश के प्रति जो उसकी प्रेम की भावनाएं थी, जो जज्बा था, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने की उसकी जो ललक थी, उन्हें हम अपने जीवन व्यक्तित्व में ढाल पाने में कितना समर्थ हुए हैं या नहीं। इसलिए आज उसके जन्मोत्सव पर उसकी स्मृति में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इनकी गाथा छोड़ चले हम, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट बाकर आ पहुँचा, लेफ्टिनेंट बाकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने खींची तलवार द्वंद हुआ आसमानों में। जख्मी होकर बाकर भागा, जख्मी होकर बाकर भागा, अजब उसे डरावनी थी बिल्कुल वो लग रही थी, अजब सुनी उसे कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो वीरानी अमर रहे, वीरानी अमर रहे, वीरानी अमर रहे, वीरानी अमर रहे, वीरानी अमर रहे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्ते, आज हम सभी यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई जी के जन्म दिवस को यादगार तौर पर मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने अपनी वीरता का एक अलग ही उदाहरण सभी के सामने प्रस्तुत किया था। आज हम उनकी वीरता की बातें कर रहे हैं, तो मैं आप सभी को उस वीरता के पीछे जो उनकी संकल्प शक्ति थी उसका भी स्मरण कराना चाहती हूँ। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी ये महसूस करते हैं कि हम बहुत असहाय हो गए हैं, परिस्थितियों से हार चुके हैं, पर ऐसा नहीं है। जब भी हम अपने आत्मविश्वास को टटोलेंगे, एक संकल्प शक्ति हमेशा हमारे अंदर जागृत होगी और वो संकल्प शक्ति हमसे उस वीरता की पराकाष्ठा तक पहुंचने में हमेशा सहायता करेगी। तो आप सभी सखियों को मेरी तरफ से यही संदेश है, जब भी जीवन में हम अंधेरा महसूस करें, उस आत्मविश्वास को जगाइए, उसकी लौ को जगाइए और अपने जीवन में एक संकल्प कर सदैव आगे बढ़ाइए। वीरानी अमर रहे, वीरानी अमर रहे, वीरानी अमर रहे, वीरानी अमर रहे, वीरानी अमर रहे।